कि बहुत से ब्रांड्स को बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है। तो पता है एक ब्रांड है बेलेंसिया, नाम सुना होगा? हाँ, काफी फेमस है, बहुत तो उसका मतलब निकलता है बाल ऑफ द किंग। अब बाल ऑफ द किंग का मतलब है एक डीमन है जो क्रिश्चियन है, मतलब लाइक क्रिश्चियन डीमन है जो कि ईस्ट साइड पे रूल करता था और करता है। तो ये देख रहे हो लाइक हम बोल सकते हैं ये लाइक हिडन चीजें हैं ये, है ना। और वैसे जो मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक है उसका तो देखा होगा, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक जो तीन लाइन है, हाँ। हमें ऐसा लगता है कि वो लाइक स्टाइल क्या है, शेर के पंजे हैं ऐसा, बट एक्चुअल में जो वो है ना वो हेब्रू न्यूमरल्स करके है, वो उस लैंग्वेज नंबर में लिखा गया है। और जो तीन पंजे है ना उसका मतलब पता है क्या है? 666, 666 इज द डेविल नंबर। वो किस साइड से लगता है? नहीं वो लिखा होगा ऐसे है, बट अगर हेब्रू न्यूमरल्स में देखोगे ना उस लैंग्वेज में उस वर्ड में, जैसे रोमन नंबर होते हैं, हेब्रू एक और दूसरा नंबर है, तो उसमें देखोगे ना तो ये जो लोगो है ना ये 666 है। ये ड्रिंक यूएस बेस्ड भी होगी ऑब्वियस बात है, हां ये सारी की सारी हिडन चीजें हैं। तो ये एक तरह से ब्रांड की प्लानिंग या स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती कि ऐसे लोगों को दिखाया जाए कि मतलब ये वहां से? तो ब्रांड ने खुद एक्सपोज नहीं किया, इतने सालों से चल दिया, बट ये रिसेंटली बाहर आ रही है चीजें, जब से ये पीक पे आई है इल्यूमिनाटी कल्ट वर्ल्ड ये सब। अगर इल्यूमिनाटी सच में है, एग्जिस्ट करती है, तो मे बी ये ब्रांड जो कहते हैं ना यार नॉर्मल बात है, हमारे मार्क जकरबर्ग याद है ना, जब उसका मार्क जकरबर्ग हो गया या बिल गेट्स हो गया, उन्होंने कई बार बोला है कि जब उनका बिजनेस नहीं चल रहे थे, हमारे इंडिया आए थे, नीम करोली बाबा के पास आए थे, तो जो एप्पल का जो लोगो का साइन है वो इंडिया एप्पल का, सॉरी क्या नाम था, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, एप्पल, स्टीव जॉब्स को जो आइडिया दिया था लोगों का वो नीम करोली बाबा ने दिया था एक तरीके से। तो हो सकता है जो इन जो डीमंस हैं, जो ब्रांड्स है डीमन, इनको मे बी इल्यूमिनाटी ने ऐसा साइंस के बारे में बताया होगा, तुम ये यूज करो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी ये कल्ट होते हैं ना या ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये ना जो रियल बंदे होते हैं उनको आगे नहीं भेजते, जो रियल बंदे होते हैं उनको रख लिया जाता है। एक बहुत पुराना ना कॉमेडियन है, मेरे को याद नहीं आ रहा बाहर का है, उसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत पुराना कॉमेडियन है, वो 8 साल के लिए गायब हो गया था, और जब वो आया था वापस आया था 8 साल बाद, उसने बोला मेरे को कुछ $30 million या $300 million का ऑफर दिया था, ऐसा वैसा करके पैसा से खरीदा गया था पूरा। अरे वो तू उस कॉमेडियन की बात कर रहा है जो मास्क 2 में मूवी में था, जिमी नाम है उसका, मुझे पता है, मेरे को ढंग से याद नहीं नाम, बट बहुत पुराना है वो कॉमेडियन। तो देख सकते हो लाइक ये चीजें बेशक से हम मजाक में करते हैं, बट एक्चुअल में है ये चीजें।